तो हे गेमर्स, कैसे आप सभी लोग, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से वापस आ चुके हैं शिप ग्रेवयार्ड सिमुलेटर 2 के साथ। तो जैसे कि गाइस तुम लोग देख चुके हो, हम लोग लास्ट एपिसोड में जो है हम लोग ये गेम को चालू किया था और हम लोग ट्यूटोरियल किए थे, और ट्यूटोरियल में हम लोग एक स्मॉल शिप का पार्ट मिला था और हम लोग उसमें गए थे। हम लोग ने हैमर यूज किया, हम लोग ने कटर यूज किया, हम लोग ने टॉर्चेज यूज किए और जितने भी पार्ट थे उसको हम लोग तोड़े। तोड़ने के बाद हम लोग गए थे स्क्रैप वाले जगह में और ये जितने भी पार्ट्स जुड़े थे उसको हम लोग कन्वर्ट किए मेटल्स, नॉन मेटल्स और प्लास्टिक में, और कन्वर्ट करने के बाद इसको हम लोग जाके एक सेलर को बेचे जिससे हम लोग ज्यादा नहीं लेकिन 20-30 रुपए जरूर आराम से कमा पाए। और बचा कुचा जितना पार्ट था उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत था तो बेच दिए, लेकिन फिर हम लोग ने एपिसोड एंड कर दिया। लेकिन आज हम लोग वहीं से चालू करेंगे जहां से हम लोग ने लास्ट एपिसोड में छोड़ा था। तो जल्दी से गेम के अंदर चलते हैं और आज का दिन चालू करते हैं। तो लेट्स गो गाइस फटाफट से। तो गाइस जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं और अभी हम लोग लैपटॉप के अंदर अपना खोलते हैं और देखते हैं कि हम लोग को क्या काम करना है आज। तो फटाफट से लैपटॉप खोल लेते हो और यहाँ पे क्या लिखे, फर्स्ट स्टेप स्मॉल अननोन शिप। यही कॉन्ट्रैक्ट था क्या भाई, और करना नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, हम अब कॉन्ट्रैक्ट खरीद भी सकते हैं गाइस। तो ये जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था ये हम लोग ने कर दिया करंट शिप। अच्छा, इससे और जितने सामान बचे ये हम पूरा और निकाल के बेच सकते हैं मेरे ख्याल से। तो और हम लोग चाहिए तो इससे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करे क्या गाइस, सोच रहा हूँ मैं। तो गाइस एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी करें, क्योंकि बहुत दूर दूर तक अभी जाना है हमको। अभी तो फिलहाल हम लोग सस्ते वाले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक काम ये करते हैं कि ये मैट सी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला काम भी हम लोग करते हैं। तो फटाफट से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो मैं खरीद लेता हूँ, तो हम लोग ने खरीद लिया वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से। हाँ है, ये वाला खरीदा, ये वाला खरीदा है ना भाई, ये तो मैंने खरीदा नहीं है, ये खरीदा। तो क्या करना है अभी, हम लोग को मैट सी मिली कि नहीं, पहले ये वाला ही हम लोग को काम कंप्लीट करना है गाइस। अच्छा, मैं ये वाला खरीद नहीं सकता हूँ क्योंकि बोला यू हैव टू स्क्रैप करंट शिप बिफोर बाइंग न्यू वन। तो गाइस एक काम कर लेते हैं, हम लोग को जो पिछले बार शिप बचा है वो पूरा काम लोग फटाफट से कंप्लीट करके आते हैं। ये ट्रक में लेके चल रहा है, ट्रक तो ले जा रही है, लग रहा है बैठ जाते हैं हम लोग ट्रक पे जल्दी से फटाफट। अरे बैठ क्यों नहीं भाई, क्या दिक्कत हो गई तुझे? चलो भाई बैठ जाते हैं और ट्रक उधर में लेके चले जाता हूँ जहाँ पे वो मेरी शिप खड़ी है। वो शिप ना इधर ही आस पास, ज़्यादा दूर नहीं है। शिप के पार्ट मतलब एक तरीके से हम लोग शिप नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी हम लोग इसका काम पूरा निपटाना पड़ेगा। और ये भाई, अरे 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 भाई 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 भाई, देख रहे हो बड़ा हैवी ट्रक ड्राइवर बनता हूँ, मेरे को तो लग रहा है मैंने पुष्पा मूवी ज़्यादा देखी। तो ड्रिफ्ट विफ्ट मार दिया हमने। हाँ भैया, रुक जा तू इधर ही बस। अब यहाँ पे जितने भी कचरे कूड़े हैं मैं सब धीरे धीरे करके एक एक करके निपटाते जाता हूँ। ये सब चीज़ तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग उठा लेते हैं। और इसको नहीं उठाता अभी, मेरे पास जगह बहुत है ना। तो फिलहाल एक काम करते, कटर निकालते हैं। कटर से नहीं, जितने बचे हुए हैं ना स्क्रैप। अरे यार पहले काम करते, ऊपर से शुरू करते हैं। नीचे से शुरू करूंगा ना तो नीचे के सामान टूट जाएंगे और ऊपर के सामान रह जाएंगे। तो एक काम ये करते हैं, हम लोग ये ऊपर के पूरे सामान नहीं टूट रहे तो उस साइड भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो पहले उस साइड से ऊपर चलते हैं हम लोग, और ये जितने बचे हैं मैं पूरे को एक साथ पिकअप कर लेता हूँ यहाँ पे, जितने भी बचे। ठीक है, ये सब भी पिकअप कर लिया है, अभी ये भी पिकअप कर लेते हो। पहले जितने सामान बचे ना पिकअप करने को, सब एक साथ ना पिकअप कर लेते हो। अच्छा, मेरा तो पूरा भर गया है, तो एक काम कर, तो यहीं से ऊपर से मैं फेंक दूंगा अपना, वो जो मेरा फेंकने का रहता है। तो ये हाँ, ये मैं इधर से इधर फेंक दूंगा, शायद चले जाएगी आगे। हाँ चलेगी, ये तो चले ही जाना चाहिए था। वैसे अभी ये जितने बची हैं सब चीज़ फालतू चीज़ें मैं उठा लेता हूँ, और ये भी बची है ये भी उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं फटाफट से। गाइस एक काम करते हैं, जितनी भी गंदगी है उसको साफ सफाई करते हैं यहाँ पे, जितनी भी रखी है और पूरा साफ सफाई करके मिलते हैं तुमको फटाफट से। तो ये वाला भी मैं ट्रक के अंदर फेंक देता हूँ गाइस, ये वाला भी हमने फेंक दिया। हाँ अच्छा, तो रुक गया, सीधा अंदर गया। अभी जितने गंदगी है और सब गंदगी साफ करके हम लोग तोड़ना चालू करते हैं। तो भाई जितना भी क्लीनिंग का काम था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मैं ऊपर चलता रहा, ऊपर से धीरे धीरे करके यहाँ पे जितने भी कटर के काम है वो पूरा निपटा लेते हैं हम लोग फटाफट से। क्योंकि देखो ये कटर मैंने ले लिया, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करना चालू करना, ये डिस्ट्रॉय धीरे धीरे करके करना पड़ेगा। और जितने भी यहाँ पे ये रेलिंग्स लगी है, रेलिंग है एक तरीके से, क्या ये रेलिंग पूरी तोड़नी पड़ेगी। और देख रहे हो ना भाई, तुम्हारा भाई ओवर टाइम भी कर रहा है, यानी कि रात को भी काम कर रहा है ताकि एक एक पाई पैसा हम जोड़ जोड़ के पैसा कमा सके। तो ये वाला भी टूट गया हम लोग को, अब ये वाली भी रेलिंग तोड़ लेनी चाहिए फटाफट से। जितने भी रेलिंग है यहाँ पे सब के सबको हम लोग तोड़ लेते हैं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है एक एक करके तोड़ने में। यार मेरा हालत ख़राब हो जाएगा यार, ये जितना काम है ना यार करने के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए यार। देख रहे हो मतलब एक एक रेलिंग को कितना टाइम लग गया उससे, तो भाई देख रहे हो लग रहा है कि इस जन्म में नहीं टिकेगी, इस जन्म में तो नहीं टिकेगी ये रेलिंग। लेकिन क्या जगह में रह रहा हूँ भाई, तो दिखने में भी मस्त दिख रही है यार। ये आसपास की जगह थोड़ी स्क्रैप वाली जगह दिख रही है, कचरे वाली जगह, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे काम करने में। क्योंकि भाई अभी बहुत काम बचा है, अभी तो अभी मैं सिर्फ ये सब तोड़ना चालू किया। यहाँ पे जितने भी कटर वाले काम है सब कटर के काम में अभी एक साथ सूत्रों कंप्लीट कर दूँ जितने भी है, लेकिन एक साथ सब मैं नहीं निपटा सकते ना कटर के काम, मेरे को एक एक करके निपटानी पड़ेगी यहाँ पे। तो अभी मेरे को एक एक करके जितने भी कटर के काम होंगे पूरे में निपटाते चले जाता हूँ, ताकि यार ये ऊपर के पहले निपटाऊंगा, नीचे के यार देखने पड़ेंगे यार। पहले ऊपर के काम पूरे निपटा देते फटाफट से, मैं जितने भी काम है पूरे निपटा देता हूँ मैं।
चलो भाई ये वाला काम, ये वाला इस साइड का भी हो गया, ये भी कंप्लीट कर देते हैं लोग फटाफट से गाइस। ये इस साइड का भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं गाइस। और गाइस तुम लोग यार कमेंट वमेंट करो और लाइक करके बताओ कैसा लगता है तुम लोग ये शिप ग्रेवयार्ड से रिलेटेड 2K वीडियोस। और अगर तुम लोग ऐसे कुछ टाइप की वीडियोस चाहिए या शिप ग्रेवयार्ड 1 के चाहिए वीडियोस तो मुझे जल्दी बताओ यार, ठीक है। ये साइड का भी यार नीचे भी तोड़नी है यार, ये गलत है यार, अब तुम नीचे भी तोड़वा लो यार, ये वाला काम कर लो। अब ये एक साथ गिरेंगे मेरे ख्याल से, इसीलिए ऐसा तोड़ना पड़ रहा है। ये कटर भी ना बहुत स्लो है मेरे ख्याल से ना, ये कटर वटर भी अपग्रेड होते होंगे, जाके अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी टूट गई है, अच्छा अब ये एक साथ गिरेगी मेरे ख्याल से। अच्छा ये ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक यार हम लोग ना आखिरी में एक साथ ही करेंगे, ब्रेक व्रेक का काम जितने सब मैं एक साथ ही करूँगा, अभी जितना है ना पूरा तोड़ते चले जाएंगे जितना तोड़ सकते। तो जल्दी जल्दी से जितने भी कटर के जॉब है ऊपर के मैं पूरा निपटा देता हूँ, तो जॉब नहीं एक तरीके से काम ही इतना बचा है यार। मेरे को पता नहीं था कि हम लोग को ये पूरा टास्क निपटाना होता है, और इसी के बाद हम लोग तब शायद दूसरे शिप को भी ले पाएंगे यार। एक एक करके लेवल वाइज जाना पड़ेगा तभी जितने शिप है वो हम लोग ले पाएंगे। ये तो अभी छोटा शिप है यार, इसी में मेरी हालत पक्के चल रही है। अगर अभी इससे बड़े बड़े शिप मिलेंगे तो क्या होगा भाई, अगर एक बहुत बड़ा शिप मिल गया इसमें बहुत सारे सामान होते तो क्या ही होगा। मैं सोच रहा हूँ भाई, मतलब मेरे को अगर रात को काम करना पड़ रहा तो सोच सकते हो क्या हालत आ चुका है, क्या टाइम आ चुका है मतलब। ठीक है गाइस, अभी जो भी है ये काम जल्दी जल्दी निपटा लेते फटाफट से, और फिर तुमको मिलते हैं फटाफट से। तो गाइस जैसे कि तुम लोग देख सकते हो सब जगह की, मतलब इस बोट में जितने भी बोट के पार्ट जगह थे मैंने सब जगह कटर के काम कर दिया। देखो यार यहाँ पे भी कटर की काम पड़ी थी, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पे भी इस साइड से भी नीचे जितने भी देख सकते हो तुम लोग, मैंने कटर पूरा चला चला के ठोक दिया। और इसको काम करने के लिए मेरे को मतलब कल रात को, पिछले रात को मैंने चालू किया था और आज रात तक ये काम हुआ। अभी जो है ठुकाई के काम है, और ये ठुकाई के काम अभी हम लोग करके देखते हैं भाई, क्योंकि भाई ये तो और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये चार चार बार बस मारनी पड़ती है। ठीक है ये तो मैंने इस साइड मार दिया, अभी इस साइड का कॉर्नर का बचा है, इस साइड का भी मार देते हम लोग फटाफट से। ये देखो बस ऐसा करके हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे, अरे भाई रुक जा, इतना स्पीड क्यों चल रहा है, चाबुक इंसान रुक जा भाई, ये देख रहे हो कितना स्पीड में मार रहा है भाई। ये वाला काम हम लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा इस करने के लिए, अरे इसमें इतना दिक्कत क्यों होगी। हाँ ये वाला काम भी हो गया गाइस, अब ये साइड भी हम लोग फटाफट से ठोक लेते हैं जितना बचा है भाई। चार बार मारने पे ये बहुत जल्दी निकल जाती है तो गेम, हाँ ठीक है अभी हम लोग का गेम जो है सक्सेसफुली सेव्ड हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग को ये वाला काम जो पूरा निपटाना पड़ेगा यार। इस साइड का भी हो गया फटाफट से इस बोट में, और जितने भी जगह हम लोग को करना काम बचा है वो मैं करता हूँ, और फटाफट से हम लोग मिलते हैं। शायद और टाइम लग जाए 15-20 मिनट, तो ये सब काटने में लग गया, इससे पूरा एक दिन गुजर गया और 15-20 मिनट लग रहा है, ये मारने में भी निकल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग एक साथ ही पूरा बोट का सामान गिराएंगे। तो गाइस फाइनली यहाँ पे जितनी भी मतलब ठुकाई और कटाई सब कुछ थी वो सब कुछ हो चुकी है, अभी मतलब असल ठुकाई करनी है। यहाँ पे कटिंग जितनी थी वो सब भी हम लोग ने कर दिया, और जितने भी वो हैमर से मार के हम लोग को निकालने थे वो सब काम भी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। हम लोग फटाफट से जो काम मेन काम है यानी कि ये सबको अलग करने का, वो काम भी मैं अभी फटाफट से कर लेता हूँ। तो गाइस ये देखो ये इजी हो गई वो जगह एक साइड, अरे भाई भाई ऐसा मत गिरो भगवान, जमीन भसक गई भाई नीचे, अरे 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 भाई देख रहे हो एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे सब फंसक गए। गाइस मैंने पूरा फोड़ दिया था, मतलब हर चीज खोल दिया था, धागा खुल गया भाई, ऐसा लग रहा है कि पूरा बौछार हो गया यहाँ पे, मतलब बारिश वारिश हो गया गाइस, मतलब जितना मैं तोड़ सकता था सब कॉर्नर को मैंने झाके अकेले तोड़ लिया, और ये जितने भी जगह है मैंने पूरे एक तरीके से ये भी गिराई देते हैं यार। ये गिरेगी नहीं क्या? अच्छा ये नहीं गिरेगी गाइस। तो गाइस अभी और बच रहे हैं मेरे ख्याल से और भी यहाँ कॉर्नर में, लेकिन जितने अभी टूटे वो सबको हम लोग अलग करके ट्रक के अंदर अनलोड करा लेते हैं यहाँ जल्दी जल्दी से, मतलब लोड करा लेते हैं, अनलोड की बात करो लोड करा लेते हैं फटाफट से गाइस। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी लोड वोड कराने लग जाते हैं। तो गाइस हम लोग फटाफट से जितने भी सामान है फटाफट से उठा लेते हैं, और ये हम लोग उठाना चालू करते हैं। ये पिकअप किया, ये भी पिकअप किया, ये भी पिकअप किया, ये भी पिकअप किया, ये भी पिकअप किया, जितने भी शीट वीट है पता नहीं यार बहुत सारी चीजें। अच्छा टू मच कैरी कर लिया हमने, कोई बात नहीं इधर से तो मैं देख लूंगा, ये चले जाएगी ना बाहर तो नहीं जाएगी ना। अच्छा ये बाहर चले गई है, मतलब बाहर नहीं गई है अंदर गई है भाई, क्या बाहर चले गई है कुछ भी बोल रहा है मैं। ठीक है ये सब सामान भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, और तू भी उठेगी क्या? हाँ इसको भी उठाना नहीं, और कुछ नहीं बची है, ये भी उठानी है, नहीं ये नहीं उठेगी आई गेस। तो ये भी गाइस हम लोग उठानी पड़ेगी यार, बहुत अच्छा यार ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, को समझ नहीं आ रहा मैं तो अभी तक कि इतना सा सामान उठाया हूँ, इतने सामान है इतने से सारे सामान में बस इसके इतना जल्दी हैवी हो जाता है मुझे नहीं। अच्छा तो ये भी मेरे ख्याल से अभी लोड हो गया बहुत ज़्यादा यार, ये तो ऐसे ट्रक मेरी भर जाएगी बहुत जल्दी, लेकिन कोई बात नहीं जितने भी है सब चीज़ बेच के हम लोग को बहुत सारे पैसे कमाने का इस बहुत सारे, देखते कितने पैसे आएंगे भाई। मेरा तो आज मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा कमाई होने वाली है, क्योंकि इतना सारा मैंने तोड़ फोड़ कर दिया और इतनी सारी चीज़ें उठा ली, कम से कम मुझे 2-3 दिन लग गए हैं कमाने में भाई, मतलब कमाने में नहीं एक तरीके से इतना तोड़ने में। अरे हैवी हो जा रही है अरे छोटे छोटे बाद में, मुझे नहीं समझ आ रहा इतनी भी हैवी नहीं है ये चीज़ें मेरे ख्याल से, लेकिन ठीक है
अब ये एक एक चीज इतनी बड़ी बड़ी है कि क्या उठाने में लोग का हालत खराब हो रही है कि लाल लाल हो जाता है ना छोटे छोटे में। अभी 48 केजी मैंने फेंकी, ठीक है, ट्रक के अंदर भर गया 500 केजी। भाई मेरे हिसाब से तो एक टन तक की ट्रक जा सकती है ना, उससे ज्यादा थोड़ी जा पाएगी ऐसे। और कुछ है ये उठाने को, ये भी 8 केजी, क्या उठा रहा हूँ मैं तो, मेरे को यही नहीं मालूम। ठीक है ये भी हम लोग भेज देते हैं, फिर ये वाली चीजें भी उठा लेते हैं फटाफट, देखते हैं अभी इसका भी क्या सीन है। ये सब भी उठा लेते हैं फटाफट से। और ये भी है, ये नहीं उठेगा, 54 केजी भाई। मेरे को लग रहा है मेरी ट्रक फट जाएगी भाई, अभी इतना और सामान मैं आगे लेके गया था भाई। एक बार में कम से कम मैं बहुत सारे सामान को शायद कर लूंगा स्क्रैप में कन्वर्ट। और देखते हैं भाई, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि हम लोग कितने पैसे छापेंगे। और यहाँ क्या है ना, हम लोग कितने भी पैसे छाप ले एक साथ, फिर भी हम लोग बहुत सारे चीज नहीं कर सकते। हम लोग को लाइन वाइज करने पड़ेंगे, यानी कि बहुत सारे चीजें मैं नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी लाइन वाइज शिप मिलेगी हम लोग को एक साथ, बहुत सारी शिप हम लोग नहीं कर सकते। तो गाइज यहाँ पे जितने भी चीजें मैं इसको कलेक्ट कर लेता फटाफट से, और इसको ट्रक के अंदर डाल के मिलते, और फिर बाकी के जितने बचे वो सब चीज भी हम लोग तोड़ लेते फटाफट से। लेकिन यहाँ पे रेड कनेक्टर्स लगाए गए गाइस, इसको भी हम लोग फटाफट से हटा लेते हैं। रेड कनेक्टर्स यार ये देखो, ये इसका मस्त वाला, ये काम हो जाता है मतलब, तो ये काम से इतना मजा आता है, इतना आग लगाना उससे इधर इधर से आता जा आता जा सेट होता है। ये वाला काम क्या मजा आता है करता है, ये वाला काम मेरा सबसे फेवरेट काम है। तो इसमें ऐसे बीच आग लगानी है कनेक्टरों के, इतना मज़ेदार काम होता है ये काम, सबसे बढ़िया काम। हाँ इस साइड बच गई है, इस साइड भी मार देते हैं, इस साइड भी मार देते हैं, इस साइड भी बच गई क्या आएगा, ये वाला काम भी हो जाएगा। इस साइड भी हो गई है और ये इस साइड भी हो गई, नीचे रह गई थी, नीचे हो जाएगी एक बार। गाइस फाइनली ये वाले काम भी हम लोग का पूरा हो चुका है, तो हैमर इसको भी मार देते हैं। अरे भाई तूफानी स्पीड में गिरते हैं भाई, ऐसा लगता शक्तिमान आ रहा है यहाँ पे, एकदम जबरदस्त वाइब आ जाती है। लेकिन ठीक है, जो भी है गाइस, अभी जितने सामान है हम लोग फटाफट से उठा लेते हैं इसको, और हम लोग अपने जो ट्रक है उसमें लोड करा लेते हैं, और चलते हैं स्क्रैप वाली जगह और देखते हैं यार कितने पैसे मिलेंगे। अभी तो यार 10 केजी भरा है और इतने में इसका सामान फुल हो गया भाई, ये क्या तरीके है भाई। उठा लेना, कितने ही बड़े बड़े सामान उठा सकता तू। हाँ ये भी उठा, ये भी उठा जल्दी जल्दी। इसके कनेक्टर रह गए क्या, आई गेस। अरे यार ये यहाँ पे कनेक्टर गाइस, ये मैंने थोड़े नहीं थे नीचे कनेक्टर, तो जितने भी हम लोग इसको भेज देते फिलहाल। अरे उस साइड पे का, तो उस साइड कहाँ जा रही है, अरे यार वो बाहर गिर गई गाइस। हम लोग उसको थोड़ा उठा के अंदर डाल देते और फटाफट से चलते स्क्रैप वाली जगह। तो गाइस फाइनली हम लोग जो सॉर्टिंग प्रोसेस है वो पूरा हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, और कुल मिला के 3100 केजी मेटल निकला है, जो कि तुम लोग लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो। 212 केजी नॉन मेटल निकला है, फ्यूल 0 केजी निकला, और ये टूल्स कुछ 130 केजी निकला है। सब पूरा बेच के देखते हैं कि कितना पैसा आता है। मेरे स्टोर में आपका स्वागत है, आपके स्टोर में हम आपको बहुत खुश हो गए आके, देखते कितना 62 रुपए बस।
भाई मतलब क्या एक एक करके भेजूंगा तो ज्यादा जाएगा क्या? लेकिन यार ये सिर्फ 62 रुपए दे रहा है यार, प्राइस कितना देखते हैं यार, पूरे के पूरे भेज देते हैं। ठीक है चलो जितने भी है एक साथ ही भेज देता हूँ मैं, और देखते हैं क्या आता है। लिक्विड में तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो लिक्विड बेचने का मतलब नहीं। 130 kg और ये सब एक साथ सेल करके देखते हैं कितने पैसे आते हैं। आपको और सी बात रख के क्या पूजा करूंगा भाई, $200 सिर्फ, ₹161 तो मेरे पास ऐसे ही हो गए थे। $200 ही जब आना था तो क्या मतलब है भाई। आपके स्टोर में आ तो गया सर, लेकिन आपने अंकल जी कुछ अच्छा रेट दिया नहीं है। मेरे स्टोर में आपका स्वागत है बोले, लेकिन किस बात का स्वागत है मुझे नहीं समझ आया। बाकी ये सॉर्टिंग वाले जगह से यार अच्छी खासी सॉर्टिंग नहीं हुई यार, अच्छी खासी सॉर्टिंग होती ना तो मजा आता। लेकिन गाइज होप करता हूँ कि तुम लोग सब जन को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, ये एपिसोड 2 था। बाकी यार देखेंगे अपग्रेडेशन वाली जगह मेरे ख्याल से। हाँ यहाँ पे लिखे टूल शॉप, यू कैन परचेज द ब्लूप्रिंट नेसेसरी टू एनहेंस योर टूल्स फॉर मोर एफिशिएंट डिसमेंटलिंग ऑफ द शिप। मेरे को पता ही था ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो भी है ये हम लोग अगले एपिसोड के लिए बचाते हैं। इस एपिसोड में होप करते हैं ये जो हम लोग पुराना शिप था उसको डिसमेंटल करके पूरे तरीके से जितने भी सामान थे हम लोग ने बेचा, लेकिन कुछ ज्यादा खासा कमाई नहीं हुई। लेकिन ठीक है $200 भी बहुत होता है हमारे शुरुआती बिजनेस की कमाई के हिसाब से, और मतलब ठीक ठाक चल रहा है। अभी आगे हम लोग एक जो है नया कॉन्ट्रैक्ट लेंगे बड़े शिप का, वो मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को चल के कौन सा शिप होने वाला है, वो भी हम लोग चलते और एक बार देख लेते कि कौन सा शिप जो है हम लोग को करना मिलेगा इसके बाद। तो हम लोग का ये वाला हो गया है गैस, हाँ ये वाला तो पूरा हो गया है गैस मेरे ख्याल से, और ये बची नहीं होगी। तो ये वाला मेरे ख्याल से बाय करना पड़ेगा, ये वाला हम लोग अब अगले एपिसोड में करेंगे। जितने भी चीजें हैं ये हम लोग बाय करेंगे और देखेंगे चल के कि हम लोग क्या कर सकते हैं और अगले शिप में। तो तब तक के लिए इस गाइस से इस वीडियो से चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड पीस आउट गाइस, बाय बाय। Thank you.